हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब दोस्त। यहाँ पर ITI वाले दोस्त, यहाँ पर एक नई वैकेंसी आउट हो चुकी है दोस्तों। ये हाइड्रो पावर प्लांट की वैकेंसी है जिसको, जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। जो दोस्तों यहाँ पर जितने भी ITI के छात्र हैं, अलग अलग ट्रेड से यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है, तो हम इस वीडियो में कम्प्लीट डिटेल जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और आपको अप्लाई करने के सब कुछ तरीके बताएँगे। क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फ़ीस लग रही है, वैकेंसी कितनी है, कितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज, A to Z दोस्तों इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों, यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाना। इस टेलीग्राम से जुड़ेंगे दोस्तों, वहाँ पर लगभग 700 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों से एक शिकायत यहाँ पर है कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, लगभग मैंने निकाला है 70% छात्र जो कि छात्र देख लेते हैं वीडियो को लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब एटलीस्ट कर लिया करो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोग के लिए ही बनाता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ बात करते हैं कि जो वैकेंसी दोस्तों आई है यहाँ पर, ये वैकेंसी दोस्तों है हाइड्रो पावर प्लांट की आई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ये ओडिशा हाइड्रो पावर प्लांट लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ द ओडिशा अंडरटेकिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पावर ग्रीन एनर्जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैकेंसी को लेकर की इन्फॉर्मेशन, मैं इसकी ऑफिशियल पेज पर भी हूँ और इस पे दोस्तों यहाँ पर सारी डिटेल हम देने वाले हैं। दोस्तों चलिए डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों ये रहा फाइनली नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओडिशा हाइड्रो पावर प्लांट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ द ओडिशा अंडरटेकिंग। दोस्तों ये एड्रेस है पूरा वहाँ का, यहाँ से रिक्रूटमेंट ऑफिस है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, एडवर्टीजमेंट नंबर डेट 4/8/2023, मतलब दोस्तों ये कल की ही नोटिफिकेशन है, तो ये मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया दोस्तों, आज मैं इसको बता रहा हूँ 5 है। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द वेरियस टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव TNE दोस्तों, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, देखिए दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन एंड लाइनमैन ट्रेनी ऑपरेटर, मैकेनिकल ट्रेनी ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर ट्रेनी, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी, वायरमैन ट्रेनी, स्टोर कीपर ट्रेनी, लगभग दोस्तों सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, डिटेल में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है ना, वेबसाइट लिंक ओपन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट एप्लीकेशन भी 17 जुलाई दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्म ओपन होगा। लास्ट डेट फॉर पेमेंट एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर 14/9 होगा, अगस्त तक, सितंबर तक। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट स्टेप 14 सितंबर दोस्तों लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। दोस्तों यहाँ पर वीडियो में कुछ आउटसाइड से आवाज़ आ रही है, इसको आप लोग इग्नोर करना। टेंटेटिव डेट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोस्तों यहाँ पर इन मंथ ऑफ द अक्टूबर नवंबर 2023, मतलब दोस्तों अक्टूबर या फिर नवंबर 2023 के महीने में इसकी परीक्षा होने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए डिटेल दोस्तों बात करते हैं नीचे, आखिर नीचे क्या दिया हुआ है। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन है, वैकेंसी पोजीशन लेकर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कितनी पोजीशन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी। तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ऑपरेटर EI, इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लाइनमैन। ST दोस्तों यहाँ पर 32 पोस्ट है, SC का यहाँ पर 9 पोस्ट है, SEBC दोस्तों यहाँ पर 5 पोस्ट है, UR जनरल का 35 पोस्ट है, टोटल 81 पोस्ट है मिला करके। ठीक है, इस कैटेगरी के लिए मैकेनिकल ट्रेन दोस्तों यहाँ पर इसमें आएगा ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर आएगा, इसके लिए 12 पोस्ट यहाँ पर ST के लिए है, 0 SC के लिए है, 1 OBC के लिए है, 26 पोस्ट यहाँ पर जनरल के लिए है, टोटल 39 है। थोड़ा सा दोस्तों ऊपर आएंगे, वेल्डर के लिए कितनी है, 1 है SC के लिए, 1 ST के लिए, या 1 OBC के लिए है, या जनरल के लिए 1 है, टोटल 3 है। क्रेन ऑपरेटर दोस्तों यहाँ पर क्रेन के लिए 2 यहाँ पर ST के लिए है, 2 SC के लिए है, 0 OBC के लिए है, और जनरल के लिए 4 है, टोटल 8 पोस्ट है। तो दोस्तों वायरमैन के लिए वैसे भी है, स्टोर कीपर के लिए भी वैसे ही है टोटल। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी जो है पोस्ट आई हुई है। नेम दोस्तों, नेम ऑफ द पोस्ट हम कंप्लीट बात करते हैं। इस पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर पोस्ट कोड 4 है, जो सैलरी मिलने वाली है पर मंथ 22,700 रुपये है। पे स्केल एंड रेगुलेशन, पे मैट्रिक्स एज 25,500 टू RS 81,100 है, मतलब दोस्तों यहाँ पर मान सकते हैं कि ये एक तरह से पे स्केल दिखाया है। ठीक है, मैकेनिकल ट्रेनिंग दोस्तों यहाँ पर पोस्ट कोड 8 है, 22,700 ये जो है वायरमैन के लिए, क्रेन ऑपरेटर के लिए, वायरमैन ट्रेनी के लिए, सभी का दोस्तों यहाँ पर पे स्केल और पे बेसिक लेवल दिखाया गया है। ट्रेनिंग दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग जो आपकी होगी ना, ये आपको जो है 1 साल की होगी। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको सैलरी जो मिलेगी HRA DA बेसिक पे सब मिला करके आपको दिया जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड
दस सिलेक्टेड एनटीई ट्रेनी सेल बी रिक्वायर्ड एग्जीक्यूट सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर टू सर्व द मिनिमम 3 साल के दोस्तों यहाँ पर आपको बॉन्ड बनाया जाएगा। 3 साल से पहले आप छोड़ेंगे तो फिर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। नेसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रीशियन से ITI NCBT से, इसको दोस्तों यहाँ पर इसके चाहिए मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए जो है NCBT ही चलेगा, ठीक है। फीटर से ITI हाई स्कूल प्लस ITI, वेल्डर दोस्तों यहाँ पर NCBT से ITI प्लस 10th प्लस ITI, क्रेन के लिए दोस्तों यहाँ पर चाहिए हाई स्कूल पास, इसके बाद वैलिड वर्कमैनशिप परमिट इशू अप्रूव्ड इशू अथॉरिटी सर्टिफिकेट, 5 साल का अनुभव चाहिए, या फिर अगर ये नहीं है तो ITI चाहिए मोटर मैकेनिक से या फिर क्रेन ऑपरेटर से। वायरमैन दोस्तों इसके लिए चाहिए हाई स्कूल प्लस ITI, ठीक है। इसके बाद नेशनल आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए वायरमैन से तो आपका हो जाएगा। स्टोर कीपर दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन चाहिए और 1 साल जो है आपका जो है स्टोर कीपर का डिप्लोमा चाहिए, यही है। उम्र की बात करें लगभग दोस्तों यहाँ पर 18 साल मिनिमम और 38 साल मैक्सिमम। द अपर एज लिमिट जो है 5 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये है रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ये उड़ीसा राज्यों को मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है ना शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ उड़ीसा स्टेट ओनली, सिर्फ इनको ही जो है यहाँ पर मिलेगा रिजर्वेशन, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। डिसेबिलिटी वगैरह दोस्तों यहाँ पर सब ये सारा डिटेल दिया गया है। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन दोस्तों मैंने सब लगभग बता ही दिया है। सेंटर एग्जामिनेशन दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर में होगा, कलकत्ता में होगा, राउरकेला में होगा, संबलपुर होगा, ब्रह्मपुर होगा, बलसोर होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से पेमेंट आप जो यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई आप लोग कर दीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, विजिट द वेबसाइट www.ophpcltd.com। दोस्तों जैसे विजिट करेंगे वहाँ पर आपको वहाँ पर और का जो है ऑप्शन दिख जाएगा बहुत ईजिली। आपको यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है। फोटोग्राफ दोस्तों यहाँ पर इतने साइज़ का होना चाहिए, 25 से 100 के भी, इतने डायमेंशन का। सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए इतने डायमेंशन का, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है 10th का, ITI का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का, SC ST OBC का सर्टिफिकेट, PH सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर दोस्तों आप एलिजिबल हैं तो लगेगा। जैसे जो स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स का लगेगा, जो PH है PH का लगेगा, इस तरह से जो PH का नहीं है उसका नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ देख लेना। आपको अगर कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए दोस्तों आप इस पर कॉल कीजिए 10 बजे से 5 बजे के बीच में। ये वेबसाइट इस पर जाकर के अप्लाई कीजिए फटाफट। ये आपका इंपॉर्टेंट डेट है, 17 तारीख को खुलेगा फॉर्म, 14-9 को बंद हो जाएगा, ठीक है। और नवंबर में जो है परीक्षा होने के चांसेस हैं, अक्टूबर नवंबर में। यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दिया गया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका लिंक दोस्तों मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। जय हिंद।